पिछले दिनों आपने देखा सलमान खान का बच्चा ड्रग पार्टी में ड्रग पीता पीता फिर कितने दिनों जेल की हवा खाकर क्या है? क्या शाहरुख खान का बच्चा, शाहरुख खान का बच्चा ड्रग भी ले रहा था, सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं और एक्ट्रेस का तो भगवानी वाली है, चारों तरफ ड्रग्स, इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है और अलग अलग तरह के नशे। एक संकल्प को हमें यह लेना चाहिए कि इस पूरी भारत भूमि को, इस आर्यावर्त देश को, इस ऋषियों की भूमि को हमें सब प्रकार के नशों से मुक्त करना है। ऐसा हम आंदोलन चलाएंगे, नशा मुक्ति का, और इसकी जरूरत है। घर बर्बाद हो रहे, बच्चे बर्बाद हो रहे, मुरादाबाद में आयोजित आर्यवीर महासम्मेलन में मंच से बाबा रामदेव ने जिन्ना का नाम लेकर जोरदार हमला बोला है। बाबा रामदेव ने कहा कि जिन्ना दारू पीता था इसलिए मर गया, अच्छा हुआ। दरअसल वो शराब की बुराई पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे लोग इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं वो दारू नहीं पीते, वैसे इस्लाम को मानने वाले कुछ वाहियात किस्म के लोग खूब दारू पीते हैं। जिन्ना दारू पीता था, बाबा रामदेव ने मंच से बॉलीवुड पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने मंच से शाहरुख खान के बेटे के बारे में कहा कि वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया और जेल की हवा खाकर आया है। वहीं सलमान खान ड्रग्स लेता है, न जाने बड़े कितने फिल्म स्टार ड्रग्स लेते हैं और एक्ट्रेस का तो बहुत बुरा हाल है। इंडस्ट्री में चारों तरफ ड्रग्स भरा हुआ है और तो और पॉलिटिक्स में भी ड्रग्स भरी हुई है। दरअसल बाबा रामदेव आर्य समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आर्यवीर महासम्मेलन के मंच से नशा मुक्ति पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। उनके सामने हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। जाति मुक्त भारत का माना कि जाति भारत की सच्चाई है। अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी ब्याह करते हैं तो जाति देख करके करते हैं, 99% वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी और यार समाज का व्यवहार की, स्वभाव की, आचरण की, सब प्रकार की दिव्यता, ये हमें आर्य समाज